अब तक आपने नोब 2 प्रो के 4 पार्ट्स के मज़े लिए, खूब मज़े लिए, खूब कुछ आपने बहुत सारा सीखा, ठीक है। तो आज ये पार्ट 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो पिछले वाले पार्ट में यानी नोब 2 प्रो के पार्ट 4 में हमने बात की थी अटैकिंग के बारे में, ठीक है। चूज़ बेस्ट मूव एंड मैंने उसके आपको डिफेंस, अटैक, स्पीड, HP सब कुछ बता दिया था, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, ठीक है। तो डिफेंसिव मोड क्या होगा, जैसे कि ST अटैक के मैंने बताया था लास्ट में कि एक स्पेशल फॉर्म होती है, उससे हमें डिफेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि स्टेल्थ रोक हो गया और फ्यूचर सेंथ और टेल विंड हो गया और पॉइजन बर्न फ्रीज आइस सब कुछ, ये जितने भी मतलब स्पेशल फॉर्म होती है, एबनॉर्मल स्टेट होती है, कंडीशंस होती है, ठीक है, इन सब को आज हम रिमूव करना सीखेंगे, इनसे बचना सीखेंगे। और अगर ये लग जाती है, हम इनको रिमूव नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो इस टाइम में करना क्या चाहिए वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड हुई है चैनल पर कि नोब 2 प्रो की एडिटिंग चल रही थी, भाई वो इस वाले सीज़न की नहीं है, सीज़न 1 की थी, पार्ट 3 की एडिटिंग थी वो, पार्ट 3 या 4 की, ठीक है, इस वाले सीज़न की नहीं है वो। तो इस सीज़न की हम एडिटिंग बाद में करेंगे, उसकी भी वीडियो हो सका तो अपलोड कर देंगे हम जानबूझ के, वो तो गलती से हो गई थी, ठीक है, आप सबके लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। तो गाइज कंडीशंस बहुत सारी होती है, अभी नॉर्मल स्टेट्स होती है बहुत सारी, बर्न, फेल, हायर, इन सब के बारे में ऑलराउंडर आज हम सीखने वाले हैं, इनसे बचने के तरीके भी सीखने वाले हैं। हिंदी में सब कुछ होने वाला है, ठीक है, और इंग्लिश में मैं बता नहीं पाऊँगा, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेना जिसको ज़्यादा इंग्लिश की पढ़ी है, ठीक है। तो बाकी हम सब कुछ यहाँ पे एवरीथिंग समझ पाएंगे, बस मेरी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिकल थोड़ा इसमें कम कर पाएंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले पास आएगा, वैसे देख लेते तो 8 पेज है, सब कुछ बता दूँ आपको, ठीक है। ये आएगा बर्न। बर्न क्या होता है, 4000 जब ब्लेज फायर मारता है आपको तो बर्न हो जाता है प्लेयर, बर्न आपकी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1/16 पावर आपकी मैक्सिमम HP डी इंक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। हर उसमें क्या बोलते हैं उसको, हर मूव के साथ, ठीक है। तो बर्न से जो है बचने का तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, मतलब ना एक लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपके जितनी पोकेमोन है सब पे बर्न, फ्रीज, स्टेल्थ, रॉक सब कुछ लगा हुआ ना, सब हट जाएगा, सब कुछ, एवरीवन, ठीक है। तो वो ट्रिक ज़रूर देख के जाना। और जो बर्न है भाई, इसमें बचने का कोई भी तरीका नहीं होता फिलहाल, तो वाटर टाइप पर भी आजकल बर्न का यूज होने लगा, ठीक है। इनसे बचने के लिए कुछ बैरीज होती है, बैरीज के बारे में मैंने आपको शायद पार्ट 3 में बताया था, हाँ पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था हाउ टू यूज़ बैरीज, ठीक है। तो आप पार्ट 3 के वो बैरीज वाले को पार्ट को ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा लीच रोक। तो भाई लीच रोक क्या होता है, आपने लीच सीड का नाम सुना होगा, जो क्या होता है वो, उसका नाम होता है कि बिनस और वो यूज करता है। तो भाई लीच रोक छोड़ दो, पहले फ्रीज की बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रीज होता है भाई, फ्रीज स्टेट यानी आइस बीम, किसी ने आपको मारी, आपका पोकेमोन 2 या 3 टर्न के लिए फ्रीज हो जाता है, कोई भी मूव का यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। एज ए स्लीप मान सकते हैं आप इसको, स्लीप में भी वही होता है, ठीक है, और इसमें भी वही हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पैरालाइज। तो भाई पैरालाइज क्या होता है, इसका नाम ही सुन के भी मतलब पैरालाइज नाम की तक बीमारी भी होती है जिसमें बंदा हिल नहीं पाता है, तो कुछ इसी तरह का सीन यहाँ पर आएगा पैरालाइज में, ठीक है। पैरालाइज का मतलब होता है भाई, जैसे कि किसी ने आपके पोकेमोन को पैरालाइज कर दिया, ज़्यादातर थंडर टाइप पोकेमोन पैरालाइज करता है या फिर थंडर टाइप मूव पैरालाइज करता है, ठीक है। पैरालाइज होने के बाद आपका पोकेमोन मार नहीं पाता है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ज़्यादातर मूव्स उसके इग्नोर हो जाते हैं, पर वो क्यों होते हैं, आपका एक्यूरेसी रेट गिर जाता है, स्पीड रेट गिर जाता है, ठीक है। मेरा PGO जब पैरालाइज हो जाता है तो मेरी खुद की भी बैंड बच जाती है, क्योंकि भाई पैरालाइज स्टेट में PGO की भी स्पीड एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है पैरालाइज स्टेट, आप चाहे तो अपने दुश्मन को दो या खुद लो, तो पोकेमोन ही चेंज कर लो भाई, ठीक है। पैरालाइज से बचने के लिए भी बैरी होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं लास्ट में बैरी के बारे में दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पॉइजन स्टेट में भाई दो तरह के पॉइजन होते हैं, एक तो नॉर्मल पॉइजन और एक होता है बैडली पॉइजन, ठीक है। पॉइजन में तो भाई
ये बर्न से 2 गुना आपका एचपी कम करता है। बर्न इतना मतलब वो 1/16 करता था, ये 1/8 करता है, ठीक है। ये ज़्यादा आपकी एचपी खींच सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी बैरी होती है। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो भाई पॉइजन जो चीज़ है ना, वो कभी भी, यार कितने मैसेज आते हैं, एक मिनट रुकिएगा जी। तो पॉइजन टाइप का पोकेमोन कभी भी स्टील पोकेमोन पर अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपको पॉइजन से बचना है तो आपको स्टील पोकेमोन लाना है, ठीक है। और उसके अलावा पॉइजन की एक स्टेट और होती है जिसको बोलते हैं हम पॉइजन स्पाइक, तो उसके बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं, समझ रहे हो। और बैडली पॉइजन यहाँ पर आ चुका है, ये रहा बैडली पॉइजन। तो एक एबनॉर्मल स्टेट होती है भी पॉइजन के जैसी, इसमें जो है 1/6 आपकी एचपी कम होती है। पर इसका एक यार बहुत ही ज़्यादा नुकसान ही होता है ना बैडली पॉइजन का, कि आपकी जो पहले पावर कम हुई आपने रिकवर कर ली, ठीक है, उसके बाद फिर पावर कम हुई आपकी तो वो ज़्यादा होगी, आपने फिर रिकवर कर ली और फिर उससे भी ज़्यादा पावर आपकी कम होगी। ऐसे कर करके ये पॉइजन आपको अंदर से मार देगा आपके पोकेमोन को, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी बैरीस होती है, पर वो बैरी कुछ ज़्यादा ही महंगी आती है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। पर बैडली पॉइजन जो है भाई उससे भी बच सकते हैं, स्टील एक्स मतलब स्टील पोकेमोन जो होगा आपका वो आपको बचा लेगा, समझ रहे हो। अगर हम नोब टू पुरो 6 की बात करें तो उसमें मैं आपको मेगा कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा पोकेमोन्स के, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इसके इससे बचने के बहुत सारे टिप्स दूंगा। फिर हम देखते हैं पर एज स्लीप, ए स्लीप, तो ये भाई ज़्यादातर आपको वेनस विनस और होता है वो स्लीप कर देता है भाई, और सिंग टाइप का मूव होता है वो भी कर देता है। तो स्लीप भाई आप खुद भी हो जाते हैं रेस्ट मूव का यूज करके, ठीक है। तो स्लीप भाई जब आपका लग जाता है ना, तो आपका यहाँ पर पोकेमोन काम करना बंद कर जाता है, जैसे कि फ्रीज में हमने बताया था सेम वैसा ही यहाँ पर है। 3 राउंड के लिए यहाँ पर आपका पोकेमोन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पर लीच रॉक, जैसे कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया था पर अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बारी आ चुकी है। तो पोकेमोन अंडर स्टेट लीच रॉक लॉस्ट 10% एचपी एंड राउंड मैनुअल एक्सपेंशन। तो भाई ये जो लीच रॉक होती है मतलब ये पोकेमोन के नीचे जाके लग जाती है, मतलब एबनॉर्मल स्टेट लगी होगी बर्न या पॉइजन, तो वो लगी रहेगी उसके साथ ही काम करेगा, मतलब पॉइजन और बर्न तो आपकी पावर खींचेंगे, प्लस में लीच रॉक अलग से खींचेगा तो आपके ओपोनेंट को पावर देता रहेगा। लीच रॉक से बचने का भाई अभी तक मेरे को कोई भी चांस नहीं मिला यहाँ पर। आप पोकेमोन चेंज कर सकते हैं इससे बचने के लिए, ठीक है। पोकेमोन चेंज कर देंगे तो ये बच जाएगा। और ज़्यादातर एक रॉक और पॉइजन टाइप का एक पोकेमोन होता है, वो कुछ जैली फिश जैसा दिखता है, वो भाई इसको लगाने बहुत ज़्यादा माहिर होता है, वही लगाता है इस चीज़ को, ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा पोकेमोन आया नहीं जो उसके अलावा इसको यूज करता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फोर्स बाइट। तो भाई इस मूव का यूज मैंने बहुत ज़्यादा कम सुना है, ठीक है। स्पेशल अटैक होता है ये हालविड केस फोर्स बाइट। तो भाई मैक्सिमम आपकी 1/16 एचपी कम करता है, ठीक है, जैसे कि बर्न में हमने देखा था सेम वैसा ये भी थोड़ा बहुत, पर ये जो है एबनॉर्मल स्टेट नहीं है, ये आपके पोकेमोन के नीचे लगता है जैसे लीच रॉक हमारा लगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है यार, जो आपने कभी जिनके नाम तक भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी हम इसमें लास्ट में करके दिखाने वाले हैं आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो तो माफ़ करना यार, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नाम का ये कोई अटैक है, मैंने शायद पढ़ने में गलती हो रही है। तो भाई ये जो है आपका टेकन 20% रिड्यूस हेलिंग इफेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि आपका पोकेमोन जो होता है उसकी पावर बढ़ती रहती है, केओग्रे हो गया, ग्रूडोन हो गया, इनकी पावर बढ़ती है, ठीक है, बार बार अपनी एचपी को बढ़ा लेते हैं, हील कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी हीलिंग पावर को कम कर देता है, समझ रहे हो। अगर ये चीज़ लग गई तो आपकी हीलिंग पावर कम होगी। ये जितने भी मतलब ऊपर से लेके लीच रोग से नीचे तक के जितने भी मूव है, अगर आपको इनसे बचना है तो भाई डायरेक्ट मैं आपको करूँगा रिकमेंड कि अपना पोकेमोन चेंज करो, और फिर चेंज करने के बाद दोबारा ले आओ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है इसका नाम है इरोजियन। तो भाई ये चीज़ है कि स्टेट स्पेशल डिफेंस रिड्यूस करती है चीज़, भाई स्पेशल डिफेंस आपका रिड्यूस करती है। इससे अगर आपको बचना है ना, तो आप चाहे तो वो यूज़ कर सकते, लाइट स्क्रीन नाम का मूव होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या अपना पोकेमोन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये
इनहेंसमेंट नाम का कोई मूव है यार, काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे को ये समझाने में, सच बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्टेट है ये भाई आपका लॉस्ट करती है HP, ठीक है, HP कम करती है ऐसे मान सकते हैं आप इसको, रिड्यूस डिफेंस बाय लॉस्ट 1% HP, मतलब ये HP के साथ डिफेंस भी कम कर रहा है भाई, 30% डिफेंस आपका कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सनी वेदर, तो सनी वेदर भाई एक सनी वेदर होता है, एक हैवी सनी वेदर होता है, ठीक है। हैवी सनी वेदर के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, हैवी सनी वेदर का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। तो सनी वेदर में होता है भाई जो आपके पोकेमोन्स होते हैं, मतलब आपके पोकेमोन उसकी पावर बढ़ जाएगी और जो ओपोनेंट सामने का पोकेमोन उसकी पावर घट जाएगी, अगर वो वाटर टाइप है तो घटेगी, और भी बहुत सारे पोकेमोन होते हैं जिनकी पावर घट जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रेन वेदर, ठीक है। तो रेन वेदर में वाटर टाइप पोकेमोन की पावर बढ़ती है, इससे अगर आपको बचना है, मतलब सनी वेदर और रेन वेदर से आपको बचना है, तो आपको उस वेदर में काम करने वाला पोकेमोन लाना है, ठीक है। मैंने नोब टू प्रो के शायद पार्ट टू में आपको बताया था या पार्ट वन में बताया था, नहीं पार्ट वन में नहीं, पार्ट टू या थ्री में बताया था कि जो हमारा चारिजार्ड है अगर सामने वाले ने भी सनी वेदर का यूज़ किया तो बेनिफिट हमारे को भी मिलता है, सेम वैसे ही सीन है। अगर आपका ओपोनेंट सनी वेदर या रेन वेदर यूज़ करता है तो आप उसी वेदर में चलने वाला पोकेमोन ले आओ, आपका पोकेमोन की पावर बढ़ जाएगी और उसके की भी बढ़ेगी साथ में, ठीक है। तो मतलब रेजिस्ट का मामला यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सैंडस्टॉर्म, तो भाई सैंडस्टॉर्म एक मूव है जो यार मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोकेमोन होता है, एक नया पोकेमोन आया, तीतर हो गया और मतलब रेक्वेजा भी यूज करता है शायद सैंडस्टॉर्म का। तो भाई इसमें सैंडस्टॉर्म स्टेट में भाई आपके ऊपर लिखा हुआ जाता है बगल में सैंडस्टॉर्म, ठीक है। ये रॉक और ग्राउंड टाइप को जो है डैमेज कंटिन्यूसली सैंडस्टॉर्म, मतलब उनकी शायद रक्षा करता है, ठीक है, बाकी सबको डैमेज देता है ये सैंडस्टॉर्म हर बारी में, ठीक है। कितना डैमेज देता है ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर जो भी है भाई देता तो है, मेरे को पता ही हुआ, ठीक है। चारिजार्ड जो है यार इसके सामने बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि उसको इसका डैमेज ज़्यादा लगता है, वो 2x रॉक टाइप है, ठीक है, वीक पॉइंट उसका। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हील का, यार काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा पर इसका यूज़ कभी आपने नहीं देखा हुआ, ठीक है। आल पोकेमोन एक्सेप्ट द आइस कंस्टिट्यूएंट, तो भाई हील में क्या होता है, हील वेदर आ जाता है, ठीक है। इसका यूज मतलब ज़्यादातर नहीं होता है, हील वेदर का ज़्यादा नहीं चल पाते। उसके बाद यहाँ पर होता है हार्स सुनील्स, तो भाई ये इसका नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप भी शायद पहले सुन रहे होंगे हार्स सनलाइट का। तो भाई ये पावर ऑफ फायर टाइप मूव्स इंक्रीज एंड वाटर टाइप अटैक इन एफेक्टिव, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई हार्स सनलाइट, यार बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि वाटर टाइप पोकेमोन आपके पोकेमोन को नहीं मार पाएंगे, ठीक है। अब आपके पास चारिजार्ड ब्लेज भी नहीं है तो भी ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं हैवी रेन वेदर, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। हैवी रेन वेदर में क्या होता है, वाटर टाइप पोकेमोन को फायर टाइप पोकेमोन नहीं मार पाता और वाटर टाइप पोकेमोन की पावर दुगनी हो जाती है, समझ रहे हो। फिर हम देखते हैं पर स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर आपको हैवी रेन वेदर से बचना है तो आपको पानी का मतलब वाटर टाइप पोकेमोन का यूज करना है, ठीक है। और हार्स एंड लाइट से बचना है तो आपको यहाँ पर रॉक टाइप या फायर टाइप का यूज करना है, ठीक है। ग्रास टाइप का मत करना, बहुत ही बुरी तरह से पिटेगा। फिर यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग विंड वेदर भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मेगा रेक्वेजा यूज करता है, ठीक है। ये फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स की पावर बढ़ा देता है और बस यही है इसका सीन। अगर आपको इससे बचना है तो आपको ग्राउंड टाइप नहीं रॉक टाइप और स्टील टाइप पोकेमोन के यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हग सैंडस्ट्रॉम वेदर, तो यह सैंडस्ट्रॉम का बड़ा वाला वर्जन हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए भाई, ठीक है। हीलिंग इफेक्ट्स पोकेमोन अर्थर ड्रेन रॉक ग्राउंड एंड स्टील कंटिन्यूस बेसिस स्टील स्क्रीन्स, तो भाई देखिए इसकी बात सुनिए, यहाँ पर आपको ग्राउंड रॉक और स्टील जो पोकेमोन होते हैं उन पर इसका असर नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो पोकेमोन होंगे उन पर इसका असर होगा, प्लस में स्टील जो पोकेमोन होगा उनकी पावर इसमें बढ़ जाएगी 50% तक, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। उसके बाद हम देखते हैं हील स्ट्रॉम का भी वही ये चीज़ है, मैं यहाँ पर इनको स्किप मार लूँगा यार, मूड ख़राब हो लगता है मेरा।
तो भाई ये पी अटैक जो है कम करता है यार। मैं आपको इनसे बचने के तरीके सिखाने आया हूँ यहाँ पर, इनके बारे में बताने नहीं, ठीक है, बोर करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मेन मेन चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रिक रूम भाई। ट्रिक रूम का एक अटैक होता है, ये फिजिक टाइप पोकेमोन के पास होता है, ठीक है। जब हम इसको यूज करते हैं तो डेयरिंग पीरियड स्लो पोकेमोन कैन पे डेंसेस, तो मतलब जो आपका ओपोनेंट पोकेमोन होगा वो स्लो वर्क करेगा, ठीक है, 3 या 4 राउंड्स के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ट्रिक रूम ये भाई। मेडिटाइट का मेडिचैम या ऐसे कुछ पोकेमोन था उसकी चीज़ है ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो भाई ये कोई मूव है इसकी हम स्किप करते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट यार जब रिफ्लेक्ट आपको जो जो चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिलती है मैं उनके बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गया, तो भाई ये पी अटैक टाइप रिफ्लेक्ट है, ठीक है। इसमें पी अटैक टाइप को जो है मतलब पी अटैक टाइप जैसे कि आपके सामने आपने यूज़ कर लिया रिफ्लेक्ट, तो पी अटैक टाइप के मूव जो है कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा चीज़ होता है। फिर आप उसको हराने के लिए एस पी अटैक टाइप पोकेमोन लाते हैं, फिर उसने लाइट स्क्रीन का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये होता है भाई लाइट स्क्रीन पोकेमोन। एक मिनट रुकिए यार। और लाइट स्क्रीन में आपका एस पी अटैक कम हो जाता है, रिड्यूस, ठीक है। इन दोनों से अगर आपको बचना है ना, कमाल की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, देखिए मेरी बात सुनिए। इससे बचने के लिए हमारे फाइटिंग पोकेमोन जो होते हैं उनके पास एक मूव होता है जिसका नाम है यहाँ पर ब्रिक ब्रेक, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार ये पकाऊ लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करूँगा, ठीक है। ये होता है बाई डिस्ट्रॉय द लाइट स्क्रीन एंड रिफ्लेक्ट एंड ओरा वैली रिवील देन अटैक। जब आप इसका यूज करते हैं ब्रिक ब्रेक मूव का, तो जितना भी ओरा वैली हो गया और लाइट स्क्रीन हो गया और आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक बार में हट जाती है, समझ रहे हो। काफ़ी अच्छी ये चीज़ होती है ब्रिक ब्रेक, ठीक है। तो आप इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इन दोनों से बचने का हमने तरीका बता दिया आपको। बाकी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टेलविंड। टेलविंड भाई आपके सामने वाले ओपोनेंट ने यार 4 टर्न्स के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी। ज़्यादातर भाई ये पीजीओट के काम होते हैं कारनामे कि वो टेलविंड लगा के भाग जाता है, ठीक है। तो टेलविंड से आपको बचने के लिए क्या करना है, समझ रहे हो। आपके पास होना चाहिए एक फ्लाइंग रिड्यूस का पोकेमोन, और बाकी इससे बचने के लिए आप खुद के भी टेलविंड दे सकते हैं खुद को भी, ठीक है। आपके जो अपोनेंट मतलब पोकेमोन ट्रेनर्स होंगे उनके जो 4 टर्न्स के लिए स्पीड बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपना क्या बोलते हैं उसको फ्लाइंग पोकेमोन वाले जो रेसिस्ट पोकेमोन होते हैं वो यूज करने हैं इसमें, ठीक है, तभी आप इससे बच पाएंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं स्टेल्थ रोक, तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ होती है स्टेल्थ रोल। तो भाई ये फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को भी लग जाती है स्टेल्थ रोक। इससे बचने का भाई कुछ तरीका नहीं होता, ओपोनेंट को भी स्टेल्थ रोक दे के मारो। ये जो ओपोनेंट को बार बार हार्म करता रहता है आपको भी करता होगा, ठीक है। स्टेल्थ रोक का हम यूज कब करते हैं, जैसे कि गार्डेवियर होता है उसके पास एक ट्रू हार्ट नाम का गेयर होता है जिसकी वजह से उसकी पावर 1% हमेशा बच जाती है, ठीक है। जब हम स्टेल्थ रोक का यूज करते हैं तो गार्डेवियर जैसे उसके ऊपर आके बैठता है तो उसकी 1% पावर कम हो जाती है। उसके बाद आप चाहो तो उसकी पूरी पावर उड़ा सकते हो, ये इसका फ़ायदा होता है स्टेल्थ रोक का, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं मतलब जो प्रो प्लेयर होते हैं ना वो इसका यूज करते हैं स्टेल्थ रोक का ऐसे में, ठीक है। फिर हम देखते हैं टॉक्सिक स्पाइक्स, तो भाई टॉक्सिक स्पाइक जो स्टेल्थ रोक जैसा होता है, स्टेल्थ रोक आपका 1% पावर कम करता है और जो टॉक्सिक स्पाइक होता है वो भाई आपका जो भी पोकेमोन उतरेगा उसको बैडली पॉइज्ड कर देगा, ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। इससे बचने का एक ही तरीका होता है, पॉइजन टाइप पोकेमोन आप उतारो उसके बाद वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वहाँ से हटा दो उसको, ठीक है। इससे बचने का ये तरीका होता है। फिर हम देखते हैं स्पाइक्स, तो भाई स्पाइक्स एक ग्राउंड टाइप मतलब ये मूव है, ठीक है। ये भी आपको जो है हार्म करता है और साथ में पॉइजन भी देता है। फिर हम देखते हैं सेफ गार्ड, ये एक नॉर्मल टाइप मूव होता है, ठीक है। ये आपकी पोकेमोन को मतलब एक बार बचा लेगा, ये मतलब सरेंडर्ड मैजिक पावर एंड विल नॉट फॉल इनटू अबनॉर्मल स्टेट, मतलब जैसे कि आपको आपके ऊपर किसी ने अबनॉर्मल स्टेट का अटैक किया तो उस टाइप पे सेफ गार्ड आपको बचा लेगा, ठीक है, जब ये लगा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्ट, तो मिस्ट होता है भाई ये फोग होता है कोई कवर कर लेता है, तो प्रेजेंट ओपोनेंट रिड्यूसिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, नहीं जैसे कि आप देखते हैं ग्रीन निंजा होता है जितनी बार मारता है ना तो उसका एवुलेशन +1 हो जाता है,
सेम वैसा ये उसका रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपर इनकोरेज। तो यार मैं इन सब के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, स्किप करते हैं हम इनको, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, वाटर स्पाउट। तो भाई वाटर स्पाउट तो एक मूव का नाम है यार, फिर भी जो है ना क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्ट नॉइज का जो कन्वर्जन होता है उसमें ये एक स्टेट आ जाती है वाटर स्पाउट नाम की। ठीक है, इसमें वाटर टाइप के जो मूव होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, सी ऑफ फायर या आपका अल्ट्रा जो म्यूट होता है वो लगा देता है। इसमें आपकी जो पावर होती है 1/8% वो कम होती रहती है बार बार कुछ टर्न्स के लिए। ठीक है, इस पर रेन वेदर का भी असर नहीं होता है। इससे अगर आपको बचना है भाई तो आप उसका यूज कर सकते हैं, फायर टाइप पोकेमोन का। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर देखते हैं भाई स्टिक वेब। भाई बहुत बुरी चीज़ रहती है। ठीक है, जब तक ये लगा रहेगा ना आपकी स्पीड -1/-1 हर अटैक के साथ करता रहेगा। ठीक है, इससे बचने का एक ही तरीका होता है, पोकेमोन बदल बदल के मारो, फिर बदलो, फिर मारो, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर मारो। ठीक है, ऐसी चीज़ कर लो यहाँ पे, स्टिकी वेब से बच के रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं अपरोर। तो भाई अपरोर यार एक मूव होता है पिजियोट के पास है, ये आपकी 3 राउंड्स में अलग अलग खुद ही मारता रहेगा, बहुत ही बेकार मूव है। ठीक है, जैसे कि ड्रैगनाइट का होता है ना, ड्रैगन टेल या क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन ब्लास्ट होता है शायद, वो 3 बार मारता अलग अलग, बार 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 बार। ठीक है, तो सेम वैसे ही काम करता है, पर एक नॉर्मल टाइप अटैक है और बहुत कम डैमेज देता है। ठीक है, तो भाई काफ़ी सारी स्टेट्स के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है, तो और भी बहुत सारी रह चुकी है अभी, तो हम देख लेते हैं थोड़ा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें तो इसमें मैंने स्किप कर दी जो हमारे किसी काम की नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी ये वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, आप जो भी सीख रहे हैं वो सीखते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि जो आपके काम का नहीं हो मैंने स्किप कर दिया एक अच्छा लीडर होने के नाते। ठीक है, तो अटैक लेवल यहाँ पर हम देखते हैं, अटैक +1, +2, +3, +5 ये होते हैं। जैसे कि आप बल्क अप करते हो तो आपका 2x+ अटैक हो जाता है, वो क्या चीज़ होती है, वो आपका अटैक बढ़ जाता है। ठीक है, डिफेंस बढ़ जाता है, एसपी अटैक बढ़ाते हो, एसपी डिफेंस बढ़ाते हो। ठीक है, इन सब को हटाने की ट्रिक, अगर आपका ओपोनेंट बढ़ा रहा है तो उसको हटाने की ट्रिक बताता हूँ। आपके पिजियोट के पास हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, लुगिया के पास भी हो गया, ये जो मूव होता है इसका नाम होता है क्लियर स्मोग। जब आप इसका यूज करोगे तो उसकी जो है +2 अटैक होगी, +3 अटैक या ऐसा कुछ भी होगा, +डिफेंस+ अटैक एवोल्यूशन होगा, कुछ भी होगा ना भाई, इसको यूज करो कसम से वो हट जाएगा। ऐसा मैं बहुत सारे मतलब बैटल्स में करता हूँ इसका यूज़, आपने देखा होगा बहुत सी बार कि PSS गेमर जो है क्लियर स्मोक का यूज करके सब कुछ हटा देता है अपने रास्ते से। ठीक है, वो इसी का यूज़ होता है। एक मूव होता है हमारे पास डीफोग होता है भाई, ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, एवोल्यूशन को कम करता है। ठीक है, जैसे हमने मिस्ट में देखा था वैसे। गाइज बहुत सारे मशीन शार्ट लगे थे इनको परचेज करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इतना ज़्यादा खर्चा आपके लिए करता हूँ। तो इन सब की हमने बात कर ली, एसपी डिफेंस, एसपी अटैक, इन सब के लेवल के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ फोर्स एनर्जी। ठीक है, फोर्स एनर्जी होता है भाई फाइटिंग टाइप पोकेमोन उसके पास होता है, ये मैं बताता हूँ आपको, लेवल 2 कर देता है, यानी आपकी जो पावर उनको दुगनी कर देता है, ऐसी चीज़ होती है। ये क्या बोलते हैं उसको, बीटरल हाउस के पास भी होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फिंच। भाई किसी ने आपको मारा तो फिंच हो गया। ठीक है, फिंच यार बार बार करे जा रहा है आपको, बार बार करे जाता है, तो भाई इससे बचने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, उससे अच्छी स्पीड वाला पोकेमोन आप यूज करो जो उसको उससे पहले मारे। ठीक है, इससे बचने का ये तरीका होता है। फिर हम देखते हैं पर बोंड। भाई बोंड होता है यार आपके पोकेमोन को मतलब बोंड कर लेता है, फिर आप पोकेमोन को चेंज नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए आपको उसके पोकेमोन को टपका देना है, ठीक है, या फिर खुद टपक जाना है, ऐसा सीन होता है इसका, आपकी पावर को भी कम करता है बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूज स्टेट, तो भाई कन्फ्यूज ज़्यादातर अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन यानी गैंगर इसको करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। ठीक है, इससे बचने के लिए आप बैरीज का यूज कर सकते हैं। यावन जो है भाई, इसमें आपको एक चांस देता है मारने का, भागने का, उसके बाद आपको सुला देता है। ठीक है, इससे बचने का एक ही तरीका, आप पोकेमोन को चेंज करो और फिर वापस चेंज करके वही ले आओ। ठीक है, यह वन स्टेट हट जाएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एनकरोर भाई जिसके भी ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर उसने रिकवर यूज़ किया होगा तो रिकवर एक STA पोकेमोन की स्टेट है, मतलब उसने कोई भी अटैक नहीं किया, वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो सिर्फ STA अटैक यूज कर पाएगा, और अगर वो अटैक यूज़ कर रहा होगा तो सिर्फ अटैक ही कर पाएगा, ऐसी चीज़ होती है एनकरोर। ठीक है, फिर हम देखते हैं डिसेबल्ड।
फिजिक टाइप पोकेमोन जो है डिसेबल कर सकते हैं और घोस्ट टाइप भी कर सकते हैं। डिसेबल से क्या होता है भाई, आपका पोकेमोन चार टर्न के लिए जिस भी मूव को, मतलब जैसे सामने वाले ने मूव मारा और आपने डिसेबल कर दिया, तो वो चार टर्न्स के लिए उस मूव का दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। इससे बचने के लिए भाई आप पोकेमोन चेंज कर लो, चार टर्न्स के बाद ही लेकर आना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपर बहुत सारी मूव होती है, जैसे कि टोंट। टोंट का भी भाई वही सीन होता है जैसे मैंने आपको बताया था एनकरोर का होता है, ठीक है। कुछ कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है बस। फिर हम देखते हैं अपर रेज। रेज का जिसको भी मारोगे भाई वो थोड़ा सा एंग्री हो जाएगा, ठीक है, एंग्री स्टेट लग जाएगी वो, ज़्यादा अपना एक्यूरेसी रेट उसका कम हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रूस्ट। रूस्ट भाई फ्लाइंग पोकेमोन्स होते हैं, अपनी एबिलिटीज को बूस्ट करते हैं, ठीक है। लीच सीड हो गया, ये होता है भाई विनसोर यूज करता है, ग्रास टाइप पोकेमोन यूज करते हैं, ठीक है। मूव दुखने लगा यार। एक्वा रिंग, ये आपकी एचपी रिकवर करता है, ठीक है। ये सब जो ये जो मूव है ना, ये आपको जरा सा भी डैमेज देते हैं तो इनसे आप बचने का चांस मतलब भूल जाइए, ठीक है। डिफेंस कॉल, ये आपका 2+ कर देता है एचपी डिफेंस, ठीक है। चार्ज, ये आपका स्पीड बूस्ट करता है। स्मैक डाउन, उड़ते हुए प्लेयर को ज़मीन पर लेके आगे रख देता है, ठीक है। इससे बचने के लिए प्लेयर चेंज कर लो, फ्लाइंग टाइप अगर आपका है तो, ठीक है। लो कोन, ये भी आपका जो पोकेमोन बदलने का है उसको चेंज करने का मौका आपको नहीं देता, ठीक है। वाटर बबल का ही पता होगा आपको, छोड़िए इन सबको, फिर हम स्किप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। वाटर सुरिकेन जो है ये भाई ग्रीन इंजा का मूव होता है, इसको मारने के बाद उसकी 20% वाटर टाइप की पावर बढ़ जाती है, ठीक है। इससे आप नहीं बच पाएंगे, पर अगर आपको बचना है तो आप क्लियर स्मोक का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं मिनिमाइज। तो मिनिमाइज का फ़ायदा क्या होता है, जब एक्यूरेसी जो आपका सामने वाले पोकेमोन का एक्यूरेसी रेट कम हो जाता है और जो आपका पोकेमोन है उसका एवोल्यूशन रेट बढ़ जाता है मिनिमाइज होने के बाद, ठीक है। ऑर्गिन म्यूटू के पास होता है, इसमें भाई आपकी स्टील टाइप पोकेमोन की पावर बढ़ जाती है। इससे बचने का अगर आपको है ग्राउंड टाइप पोकेमोन लेके आओ और ऑर्गिन म्यूटू को थोक दो टपा टप, ठीक है, ऐसा सीन होता है। और भी हम देखते हैं यहाँ पर, तो भाई ज़्यादातर यहाँ पर नहीं बचा हुआ, प्रोटेक्ट वाटर बचा हुआ है, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मिरर कोट, हाँ भाई मिरर कोट का यूज बहुत ज़्यादा प्लेयर करते हैं, ठीक है। ये वाब अफेट के पास होता है मूव मिरर कोट। वाब अफेट जब भी आपके सामने आता है तो भाई आप उसको मारते हो और वो बच जाता है, तो भाई वो मिरर कोट का यूज करके आपकी उड़ा सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ होती है। तो भाई इससे बचने के लिए आपको भाई ऐसा पोकेमोन चाहिए जो उसको एक बार में ख़त्म कर पाए, ओके। तो भाई ये सर्वर मेंटेनेंस पे जाने वाला है मेरा, लगता है ये भी नहीं चाहता कि मैं वीडियो को लंबी करूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं इन सब की चीज के बारे में आपको बता दिया, अब लास्ट के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि इन सब से बचना कैसे। नॉर्मल स्टेट, बर्न, फायर, फ्रीज, स्लिप, ठीक है, इनसे बचने के लिए आपको एक मूव रिकमेंड करता हूँ मैं। तो भाई फाइनली सर्वर जो है मेंटेनेंस पे गया, तो जैसे कि मैंने आपको बीच में दो मूव्स के बारे में बताया था जिनका नाम था ब्रिक ब्रेक और क्लियर स्मोक, ठीक है। तो उसके अलावा मैं तीसरे मूव की बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस मूव का नाम जो है वो है गालेम विंड। तो भाई गालेम विंड नाम का जो है मूव है, इसकी पावर बहुत कम होती है, 70 होती है बस, ठीक है। पर ये डैमेज से ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि इस मूव को आप जब यूज़ करते हैं तो क्लियर द एबनॉर्मल स्टेट्स वॉल टीम, मतलब आपकी टीम में, जैसे कि आपने केओग्रे को पैरालाइज करवाया हटा दिया, फिर चार्जेड को बंद करवाया हटा दिया, किसी पोकेमोन को स्लिप करवाया हटा दिया, किसी को पॉइजन करवाया हटा दिया, बैडली पॉइजन करवाया हटा दिया, सारे पोकेमोन को आपका एबनॉर्मल स्टेट लग चुकी है, सिर्फ आपका ये रह चुका है, क्या नाम है इसका, गार्डेवियर, ठीक है, मेगा गार्डेवियर कन्वर्जन वाला जो होता है उसके पास ये स्टेट होती है, गालेम विंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपके होगा कई पोकेमोन के पास ये, एक्सरनेस के पास भी होगा, ठीक है। तो भाई गालेम विंड का जब हम यूज करते हैं तो इस मूव के बाद भाई बहुत सारे स्टेट, जितनी भी आप नॉर्मल स्टेट होती है सबकी सब ऑल इन वन रिमूव हो जाती है, समझ रहे हो, सबकी सब पूरी टीम के जितने भी हैं सबकी एबनॉर्मल स्टेट रिमूव हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक मूव यहाँ पर भी आता हूँ, आप खुश हो जाएंगे उस मूव को देख के, इसका नाम है हीलिंग बीस। आपने जब भी इसको यूज़ किया हुआ ना यार, तो आपका पोकेमोन इसको यूज़ करता है और मर जाता है, ठीक है। पर इसका रियल यूज मैं बताता हूँ आपको, जब मतलब आपके जारी जाड़ की है, एचपी कम है, जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं 1% मान लीजिए, जब आप इसका यूज करेंगे ना हीलिंग बीस का, तो आपकी गार्ड भी और अपनी जान दे देगी, मर जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा पोकेमोन आपका चूज करने की बारी आएगी,
फिर आप चारिजार्ड को बुलाते हो तो उसकी जितनी पावर कम थी वो पूरी की पूरी बढ़ जाएगी हीलिंग विश के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे काम करती है हीलिंग विश। और भी हम चीज़ें देखते हैं जो आपकी मदद करते हैं भाई, इन चीज़ों को हम बोलते हैं स्टोर में जाकर बैरी, ठीक है। बैरी बैरी आपके बहुत ही काम की चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी चीज़ों को रिमूव करती है। मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये फ्रिज को रिमूव करती है एज़ पर बैरी, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है पैरशियम बैरी, ये है कन्फ्यूज स्टेट को रिमूव करती है, ठीक है। और इसको होता है भाई कैरी बैरी, तो भाई ये पैरालाइज स्टेट को रिमूव करती है। इसका नाम है चेस्टो बैरी, तो भाई ये स्लीप को रिमूव करती है। इसका नाम है पीचा बैरी, तो भाई ये पॉइजन को रिमूव करती है, ठीक है। इसका नाम है भाई रेवेस्ट बैरी, तो भाई ये बर्निड को रिमूव करती है, ठीक है। उसके बाद जो बारी इस बैरीस आ जाती है बहुत ही महंगी है, क्योंकि ये 15 डायमंड की है। इसको बोलते हैं हम लूम बैरी। ये स्टेट मतलब रियलाइज ऑल स्टेट्स के कंडीशन और कन्फ्यूज, इन सबको रिमूव कर सकते हैं। लूम बैरी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। प्रो प्लेयर्स इसका यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं पर पोकेमोन बैरी, तो भाई ये है कि बीटर बैरी, ये भी बहुत महंगी होती है। ये भाई पॉइजन बर्न और बैडली पॉइजन को रिमूव कर देती है, ठीक है। टोटल मिलाकर सबसे अच्छी मेरे को इसमें लूम बैरी लगती है, ओके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड नोब टू प्रो का पार्ट 5 कैसा था ज़रूर कमेंट करना यार, और थोड़ा सा बोरिंग रहा हो तो मेरे को माफ़ कर देना। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए सिर्फ उन्हीं को मैंने स्किप करके लाया हूँ, ठीक है। ऐसा कोई ज़्यादातर नहीं करता है, बोझ टाइम बढ़ाने में मतलब होता है, पर फिर भी मैं आपके लिए काम करता हूँ यार, ज़रा सा भी फालतू में मतलब नहीं रखता हूँ, ठीक है। जो वीडियो जहाँ पर ख़त्म हो गई वहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में नई लिंक मैं लेके आया हूँ, बोलता हूँ टू प्रो सीरीज, ठीक है।